इस कनेरिया ने बाबर आजम को बताया जिद्दी कोहली से सीखने की दी नसीहत। अब पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने बाबर आजम की आलोचना की। दानिश कनेरिया ने कहा कि बाबर आजम जीत को छोड़ देना चाहिए और अपने ओपनिंग स्लॉट को त्याग कर क्रिकेट में कल्याण करने के बारे में सोचना चाहिए। कनेरिया ने आगे कहा कि निस्वार्थ होने इसके लिए पूर्व भारतीय विराट कोहली की प्रशंसा करते हुए उन्हें नसीहत दी बाबर आजम को उसे सीखने। दानिश कनेरिया ने अपने यूट्यूब चैनल में कहा कि बाबर आजम अपने ओपनिंग स्लॉट को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे तब हुआ जब कराची किंग्स के साथ वह इस बात पर अड़े हुए थे क्योंकि वह मध्यकर्म के बल्लेबाज नहीं कर सकते हैं। इसके जीत के कारण धीमी शुरुआत होती है जिसके पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। दानिश कनेरिया कहते हैं निस्वार्थ होने के बाद आती है जब विराट कोहली जैसे कोई नहीं। विराट कोहली की कप्तानी में T20 विश्व कप हार कर भी निशाना साधा गया था। टीम को उनकी जगह लेकर सवाल उठाए गए थे लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, लेकिन नए कप्तान को अपना समर्थन दिया और उस नंबर पर खेलते हुए जहां उसने खेलने को कहा गया और एक बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने साबित कर दिया कि वो किसी भी क्रम में बल्लेबाजी कर सकते हैं। ओपनिंग में उतरना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है क्योंकि ओपनर के बाद ओपनिंग में दबाव होता है। बाबर आजम को समझना चाहिए कि वो ओपनिंग को ना उतरते हुए तीसरे डाउन पे आए। पाकिस्तान टीम के लिए ये बहुत अच्छी होगी क्योंकि पाकिस्तान टीम में अगर बाबर आजम ओपनिंग उतरती है तो बाबर आजम बहुत ही धीमा प्रदर्शन करते हैं, धीमा प्रदर्शन रनर के साथ रन बनाती हैं तो पाकिस्तान टीम को बाद में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और बाबर आजम को भी समझना चाहिए कि वो विराट कोहली को फॉलो करते हुए तीसरे या चौथे नंबर पर आए पाकिस्तान टीम के।